students, our lesson number 9 is sweet home. We all live in houses. हम सब एक घर में रहते हैं. The house in which we live with our family is called a home. जिस घर में हम रहते हैं अपनी फैमिली के साथ उसे हम होम कहते हैं. वो हमारा घर बन जाता है. Living together teaches us to love one another. साथ रहने से हम एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं. It also teaches us to share work and things. यह हमें एक दूसरे के साथ अपना वर्क और अपनी चीजें शेयर करना भी सिखाता है. Inside a home, there are many rooms in our home. हमारे घर में कई तरह के रूम होते हैं. Each room has different thing and uses. हर रूम की एक अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग चीजें होती है उसकी. हम उसका अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. Now, name the following picture of rooms. Use the help box. First is drawing room. Second, kitchen. Third, dining room. Fourth, bedroom. Study room. Sixth, bathroom. Seventh, toilet. And eighth, storeroom. इस help box से आप इसको fill up कर सकते हैं. Look at the following rooms. Write the differences between them in the columns given below. Use the help box. यहाँ पे दो इमेज दी हुई है. हमें इन रूम के बारे में बताना है, इन दोनों के डिफरेंस को बताना है. यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है उससे. रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 2. थिंग्स में क्या डिफरेंस है इन दोनों में. ये हेल्प बॉक्स है हमारा. थिंग्स आर स्कैटर्ड. यहाँ पे चीजें बिखरी पड़ी है. थिंग्स आर केप्ट एट राइट प्लेसेस. यहाँ पे सारी चीजें अपने सही जगह पे रखी हुई है. State of the room is dirty. Room की क्या condition है. तो room is dirty. बिखरा हुआ तो गंदा room है. And the room is neat and clean. ये room एकदम साफ सुथरा है. Look of the room. देखने में room कैसा लगता है. The room looks untidy. Room देखने में बहुत गंदा लग रहा है. And ये वाला room, the room looks good. ये room देखने में बहुत सुंदर लग रहा है. Now, animals in our homes. Some animals live with us in our home. कुछ animals हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. We like them. हम उनको पसंद करते हैं. They are called pets. हम उन्हें हमारे pets कहते हैं. वो हमारे पालतू जानवर जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं वो हमारे pet animals होते हैं. Can you name any two pets? क्या आप यहाँ पे दो animal pets के नाम बता सकते हैं. आपको यहाँ पे two animal pet के नाम लिखने हैं. अगर आपके घर में animal pet है तो उनका नाम लिखना है. अगर नहीं है और आप सोचते हैं कि आपके घर में हो तो उनका नाम आप क्या रखोगे, तो वो नाम आपको यहाँ लिखने हैं. Some animals like mosquitoes, mice and house flies also live in our homes. कई एनिमल्स जैसे मॉस्किटो, माइस, हाउस फ्लाई, ये हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं. दे स्प्रेड डिजीज एंड मेक अस सिक. ये बीमारियां फैलाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं. वी डू नॉट लाइक देम. हम इन्हें पसंद नहीं करते. वी कैन रिमूव देम बाय क्लीनिंग अवर होम रेगुलरली. हम इनको भगाने की कोशिश करते हैं अपना घर रोजाना साफ करके. वी एन्जॉय हेल्पिंग our parents in cleaning our home. हम हमारे parents की help करते हैं घर को clean करने के लिए. We help to dust the furniture, keep our things in order, make our bed, remove cobweb. मतलब dust the furniture, furniture पे जो गंदगी होती है, जो मिट्टी होती है, हम उसको clean करते हैं. keep our things in order, सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से तरीके से उनको जगह जगह पे रखते हैं जहाँ पे उनकी जगह होती है. मेक आवर बेड. हमारा खुद का बेड खुद बना सकते हैं पेरेंट्स को बोले बिना. रिमूव कॉबवेब. हमारे घर में जो मकड़ी के जाले लगे होते हैं हम उनको भी हटाना चाहिए. फेस्टिवल्स एंड आवर होम्स. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. हमारे कई फेस्टिवल होते हैं जैसे होली, दिवाली,
रक्षाबंधन, ये सारे फेस्टिवल हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। एट फेस्टिवल्स वी डेकोरेट आवर होम विद रंगोली एंड तोरण। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तब हम हमारे घर को रंगोली और तोरण से डेकोरेट करते हैं। रंगोली और ये होता है तोरण जो हम खिड़की या दरवाजों पर लगाते हैं। नाउ आप इस चैप्टर को क्लियरली रीड करिएगा।